अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाइयों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो जो लोग भी गल्फ कंट्री में काम करते हैं, सऊदी, दुबई, कतर, कुवैत, तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि 15 जून से कंपनियों के ऊपर एक नई पाबंदी लगाई जाएगी जो वर्कर के लिए काफ़ी फ़ायदा मंद है। उसके बाद इस महीने का जो लिस्ट है, जो लोग भी गलत काम करते हैं, जिनके पास इकामा नहीं है, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उसका लिस्ट भी आ चुका है। इस हफ्ते में काफ़ी लोगों को गिरफ्तार किया गया है और काफ़ी लोगों को मुल्क बदल कर दिया गया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हमेशा के लिए ऑल पे क्लिक करके आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस हफ्ते में जो लोग भी गलत कारोबार करते थे या जिनके पास इकामा नहीं है, तो इस हफ्ते में 11,614 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से काफ़ी लोगों के पास इकामा नहीं है, काफ़ी लोगों के पास वर्क परमिट नहीं है, यानी इकामा है तो वर्क परमिट नहीं है, आप जिस काम के लिए आप आए हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं। और जो लोग भी बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं उन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो हमेशा से अभी थोड़ा ज़्यादा गिरफ्तार किया जा रहा है, क्योंकि अभी पुलिस की चेकिंग बहुत ज़्यादा है, इसलिए काफ़ी लोग डर कर रह रहे हैं। तो आप लोग अगर अभी तक अपना इकामा या अपना कफील नहीं ढूंढे हैं तो ढूंढ लीजिए, क्योंकि अगर आप भागकर काम करते हैं तो आपके ऊपर 60 दिन का टाइम होता है, 60 दिन के अंदर में आपको ट्रांसफ़र लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपके ऊपर हमेशा के लिए हुरूप लगा दिया जाता है। और 6,000 से ज़्यादा लोगों को मुल्क बदर कर दिया गया है, ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, यानी ये दोबारा कभी भी वर्क वीज़ा पे सऊदी अरब नहीं आ सकता है। तो जो लोग भी सऊदी अरब में काम करते हैं, गल्फ कंट्री में काम करते हैं, तो आपको पता होगा 15 जून से जो लोग भी खुले आसमान के नीचे काम करते हैं उन लोगों के ऊपर पाबंदी लगाया गया है, कंपनी के ऊपर पाबंदी लगाया गया है कि वर्कर को 12:30 बजे से 3 बजे तक काम नहीं करा सकता है, भले ही वो बाद में ड्यूटी कराए लेकिन दोपहर के टाइम में काम नहीं कर सकता, क्योंकि गर्मी का सीजन बहुत ज़्यादा होता है। तो हर साल गवर्नमेंट की तरफ से ये ऐलान आता है कि 15 जून से 15 सितंबर तक ये कानून रहता है 3 महीने के लिए, क्योंकि इस टाइम में गर्मी बहुत ज़्यादा होता है और जो लोग भी अपने वर्कर को दबाव देता है या जो कंपनी अपने वर्कर को ज़बरदस्ती काम करवाती है, तो उन लोगों के ऊपर 5,000 रियाल से 50,000 रियाल तक फाइन लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का आदेश है, अगर आप नहीं मानेंगे, फिर भी अगर वर्कर नहीं मानता है, वर्कर अपने मर्जी से काम करता है तो इसका जिम्मेदार वर्कर होगा, अगर कंपनी ज़बरदस्ती काम करवाती है तो इसका जिम्मेदार कंपनी होगा। तो जो लोग भी खुद का काम करते हैं वो लोग भी खुले आसमान के नीचे ना काम करें बेहतर रहेगा, नहीं तो चेकिंग भी होता है, ऐसा नहीं कि कानून बना दिया और यूं ही चलता रहता है, चेकिंग भी आता है साइट पे, हर जगह पे चेकिंग भी होता है कि कौन किस टाइम में काम करवा रहा है। तो 12:30 बजे से 3 बजे तक रेस्ट रहेगा इस टाइम में, यानी खुले आसमान के नीचे नहीं काम कर सकता है, और जो लोग भी अंदर का काम करते हैं तो वो लोग काम कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दुबई में तो अभी से ही स्टार्ट कर दिया गया है, क्योंकि गर्मी इस साल ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट का आदेश आने से पहले ही काफ़ी कंपनियों ने अपने वर्कर को दोपहर के टाइम में रेस्ट देना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि दोपहर में खाना खाने के बाद रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है, ये वर्कर के लिए बहुत अच्छा साबित होता है ये कानून। तो जो लोग भी इस कानून के बारे में नहीं जानते थे, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी इस कानून के बारे में जान जाए। यानी हर गल्फ कंट्री में 15 जून से 15 सितंबर तक इस कानून को लागू किया जाता है, ताकि कोई भी कंपनी अपने वर्कर को ज़बरदस्ती बाहर काम न करा सके।